अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, दिस इज़ सर नसीम ज़ुल्फ़िकार। और जैसे कि लास्ट ईयर मैंने आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो प्रीलियम पेपर्स थे डिफरेंट कॉलेजेस के, वो सॉल्व करवाए थे, तो आज भी मुझे किसी एक स्टूडेंट ने गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज कराची जो बॉयज़ का कॉलेज है उसके सेकेंड ईयर के जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुए हैं 2022 के, उसके जो है वो पेपर सेंड किए हैं केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के। तो उसके एमसीक्यूज़ में आपको जो है वो बता रहा हूँ करेक्ट कौन कौन से हैं और सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं इसमें आपको देता हूँ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, ऑक्टेट रूल इज फिल्ड बाय ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट। तो ऑक्टेट रूल तमाम नोबल गैसेस फुलफिल करते हैं सवाए हीलियम, चूँकि हीलियम हमारे पास जो है ना वो अपना डुप्लीट करते हैं ऑक्टेट कम्प्लीट करने के। द फ्लेम प्रोड्यूस बाय हाइड्रोजन टॉर्च गिव्स अ टेम्परेचर, तो जो चार है टॉर्च द हाईएस्ट एनर्जीशन चूंकि हमारे पास ऑक्सीडेशन जो है ना उसकी लिमिट हो जाती है, नहीं हो पाती है, इसलिए हम कहते हैं कि एल्युमिनियम जो मेटल है वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ पैसिव है, मतलब रिएक्शन नहीं देता। क्यों रिएक्शन नहीं देता? एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बनती है जो फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। फिफ्थ है लिगेंड्स आर आल्सो कॉल्ड लिगेंड्स, लोन पेयर डोनर्स होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करते हैं, 5 से एमसीक्यूज है, तो दैट्स व्हाई लिगेंड्स जो है वो लेविस बेसिस है। सिक्स है क्लोज चेन कंपाउंड इन विच ऑल द रिंग मेंबर्स आर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड, तो ऐसे क्लोज चेन कंपाउंड जिसमें सारे रिंग में कार्बन एटम्स मौजूद होंगे उसको होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। इसी को होमोसाइक्लिक के अलावा कार्बोसाइक्लिक भी इसी कहते हैं। तो कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक वो तमाम साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर चेन के अंदर जस्ट कार्बन होता है, उसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होता। सेवन्थ एल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एल्केन्स, को और क्या क्या कहा जाता है, एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लेस रिएक्टिविटी, पैरा मीन्स होता है लेस और फिन के मतलब होते हैं रिएक्टिविटी, लेस रिएक्टिव होते हैं, दैट्स वाई अल्केन्स को पैराफिन कहा जाता है। एट्थ है टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन इज अ डैश, तो जब आप टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो उसके स्ट्रक्चर हमारे पास टर्शरी हमारे पास जनरेट होगा, तो ये एक 3 डिग्री अल्कलाइड हमारे पास है, टर्शरी ब्यूटाइल जो है ना वो क्लोराइड हमारे पास बनेगा, ठीक है, दैट इज टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन, चैप्टर 8 से है। 9th है इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, तो फॉर्मलिन को यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के प्रिजर्वेटिव के तौर पे, जो 40% सॉल्यूशन होता है फॉर्मल्डिहाइड का। 10th है दिस इज एन एंजाइम सक्रेज सक्रोज माल्टोज यूरिया, तो देखें एज जो लास्ट में जिसके आता है ना सफिक्स वो हमारे पास एक एंजाइम होता है, तो सक्रेज एक एंजाइम है जो कि सक्रोज को कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज के अंदर और ग्लूकोज के अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर। ये चैप्टर 9 से है टॉपिक, फर्मेंटेशन टॉपिक है वहाँ से। 11th दिस एसिड इज यूज फॉर इचिंग ऑन ग्लास, ये चैप्टर 11 से है, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को या हाइड्रोजन फ्लोराइड को ग्लास पर डिज़ाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसको हम इचिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। 12th एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1B आर कॉल्ड ग्रुप 1B, क्योंकि 1A वाले कहलाते हैं अल्कली मेटल्स और 1B वाले कहलाते हैं हमारे पास कॉर्निश मेटल्स जिसमें कॉपर सिल्वर गोल्ड ये तीन एलिमेंट्स होते हैं, इनसे सिक्के बनाए जाते हैं। 13th है द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज, तो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, तो वैसे तो अगर हम SI सिस्टम में गए तो दैट इज़ 435 किलो जूल पर मोल, लेकिन जो है हमारे पास CGS में 104 किलो कैलोरी पर मोल ये बॉन्ड एनर्जी होती है हाइड्रोजन की, मतलब H2 का मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। 14th द फार्मूला ऑफ पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है हमारे पास है KO2 होता है। सुपर ऑक्साइड क्यों कहते हैं इसे, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1/2 आ रही होती है। 15th द जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3B ग्रुप इज,
थ्री बी ग्रुप, ठीक है, तो ऐड कर दें, दैट इज़ 2+1 3, Na2N-1D, ये हमारे पास थ्री बी ग्रुप की जनरल बैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है, चैप्टर वन से है ये MCQs। 16 है, नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ, नेचुरल गैस किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, तो नेचुरल गैस में 94.9 या 95% तक मीथेन गैस होती है। 17 है, द फंक्शनल ग्रुप इन RSH, तो ये कैप्टन भी उसको हम कहते हैं, इसी को थायो अल्कोहल भी कहते हैं, तो SH ग्रुप जो हमारे पास होता है दिस इज थायो अल्कोहल। 18 द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन से हमें फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनल मिलता है, और यही अगर कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो एसीटोन मिलेगा। 19 है, कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, चैप्टर 10 से है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ से ये, तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते वाटर में डिजॉल्व करने पर, वो हमारे पास मोनोसैकेराइड्स होते हैं, सिंगल शुगर यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह, ये सारे मोनोसैकेराइड्स हैं। 20 ग्लिसरॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, ग्लिसरॉल क्या है, तो ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें तीन कार्बन के होते हैं टोटल, और इन तीनों के साथ हमारे पास OH ग्रुप अटैच होते हैं, 1, 2, 3 प्रोपन ट्राइओल भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, तीन कार्बन होते हैं टोटल और तीनों के साथ OH ग्रुप अटैच होता है, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ये चैप्टर 9 से है, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल के लेक्चर आप देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में समझना है तो। 21 है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर शेल ऑफ एन एलिमेंट इज दिस, इट बिलोंग्स टू, तो 4s2 3d10 4p1, देखिए फोर्थ शेल इसके लास्ट शेल है और पी पर ख़त्म हो रहा है, तो 2+1 3, तो ये ग्रुप तो हमारे पास हो गया 3a और पीरियड हमारे पास हो गया 4th, तो ग्रुप 3a और पीरियड आ गया हमारे पास 4th, डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि पीरियड नंबर क्योंकि आपको पता है कि जो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास होता है, जैसे 4th सबसे बड़ा नंबर है, ये पीरियड है, और पी एस और 4s और 4p पे जो इलेक्ट्रॉन्स है 2+1 3, तो ये ग्रुप नंबर है, तो ग्रुप 3 हो गया और पीरियड 4th हो गया। 22 है, द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म स्टेबल हाइड्राइड्स, इस ग्रुप के जो हाइड्राइड्स स्टेबल नहीं होते, 3a ग्रुप के स्टेबल हाइड्राइड्स नहीं होते, तभी वो 1a ग्रुप के हाइड्राइड से मिलकर कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एलुमिना क्रायोलाइट इज एडेड, क्रायोलाइट क्यों ऐड किया जाता है हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस के अंदर, ताकि एलुमिना की मेल्टिंग पॉइंट को हम डाउन करें, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ए, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलुमिना, ठीक है, तो 1200 डिग्री से ये जो है वो टेम्परेचर कम हो गया 950 तक, ये टेम्परेचर इसका कर देता है। 24th, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग आइंस इज कलर्ड, कौन से कलर्ड आइन है, जो ट्रांजिशन मेटल के आइंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं, और ये आयरन +3 फेरिक आइंस हैं वो कलर्ड होंगे, और रेडिश ब्राउन टाइप का कलर होगा इसका। 25 है, डाई मिथाइल इथर एंड इथाइल अल्कोहल आर आइसोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, इसमें अल्कोक्सी ग्रुप होगा, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गए, दोनों ईथर्स और अल्कोहल्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, ये चैप्टर 6 में है, आइसोमेरिज्म के टॉपिक्स हैं। 26 है, दिस गैस इज प्रोड्यूस बाई ट्रीटिंग इथीन विद सल्फर मोनोक्लोराइड, इथीन का जब H2Cl2 से रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास मस्टर्ड गैस बनता है, जो एक पॉइजनस गैस है, World War I में इस्तेमाल की गई थी, स्किन को इफेक्ट करती है, β-β-DICLO-DIETHYL SULFIDE भी इसको कहा जाता है, ठीक है, तो ये हमारे पास चैप्टर 7 से टॉपिक है, दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन, ठीक है बच्चों, ये एक 26 MCQs हमारे पास हो गए। नेक्स्ट और MCQs की तरफ आते हैं। 27, द लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज वॉट, लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन हमारे पास कौन सा है, देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्राइमरी होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, या जो जिसमें एक भी रेडिकल मौजूद नहीं होता, तो CH3+ ये हमारे पास लीस्ट स्टेबल है, और मोस्ट स्टेबल कहा जाता तो R3C+ टर्शरी, इस सैरिक हेंड्रेंस इसके पीछे लॉजिक है। 28 है, ऑक्सीडेशन एंड एल्डिहाइड गिव्स, एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन की जाती है तो क्या बनता है, तो आप जानते हैं RCOH होता है एल्डिहाइड, और एक ऑक्सीजन H के साथ ऐड हो जाता है, तो हमारे पास ये दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं। तो 29 है, एवरी पीरियड ऑफ द मॉडर्न प्रोडक्टेबल स्टार्ट्स फ्रॉम NS1 एंड एंड सेट, एंड कहाँ होती है, NS2NP6 पर एंड होती है, जो 8a ग्रुप की कन्फिग्रेशन है, तो ये आखिरी जो शुरू होता है फर्स्ट पीरियड से, फर्स्ट जो ग्रुप है तो NS1 होता है अल्कली मेटल, और सबसे एंड आपको पता है प्रोडक्टेबल एक्सट्रीम राइट पर क्या होता है, नोबल गैसेस होते हैं जिनकी जनरल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6 होती है। 30, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम बॉक्साइट, तो ये सरपेक्स मेथड, तीन मेथड हमने पढ़े थे, बायर्स मेथड और हॉल मेथड, सरपेक्स मेथड,
अगर सिर्फ सिलिका हो इम्प्योरिटी के तौर पे बॉक्साइट में, तो हम सर्पेक्स मेथड से उसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। ये चैप्टर 4 से मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम का टॉपिक है। 31 द कमर्शियल नेम ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर इज, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर हमारे पास बेकलाइट कहलाता है, जो असल में एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो ये चैप्टर 6 में है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बेकलाइट। 32 है, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म, फॉर्मल्डिहाइड जब हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, तो ये ऑक्साइम बनाता है। तो ये हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से है, चैप्टर 9 में एल्डिहाइड की, फॉर्मल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी है ये। 33 है, द एडिशन ऑफ HBr टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल इन व्हाट, मार्कोनिकोफ रूल आपको पता है असिमेट्रिकल एल्कीन लगता है, ये देखें ये सारे सिमेट्रिकल हैं, वैसे तो ये तो एल्कीन है ही नहीं, ये तो ऐसे ही कट गया, ये वाला जो है ये वाला भी ख़त्म हो गया, हमारे पास ये भी एल्कीन नहीं है। ये एल्कीन है तो सही सी, ये जो बी ऑप्शन है, लेकिन इसका मसला ये है कि ये हमारे पास सिमेट्रिकल है, ये वाला जो एल्कीन है जो प्रोपीन आपको दिख रहा है ये एसिमेट्रिकल है, तो एसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होता है। तो HBr जो अटैक करेगा तो Br वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो बच्चों ये सारे हमारे पास 33 MCQs हो गए गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज के सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के, तो बाकी भी आपको पेपर में दिखा देता हूँ, ये सेक्शन बी और सी, आप यू नीड टू डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, जो सेक्शन बी और सी के क्वेश्चंस इसमें आए हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि ये